Hey guys, welcome back to Nikki's Passion and I'm Nikita. I hope you all are doing well and aaj main aap sabke liye bahut hi effective home remedy layi hu for your skin. Yes, ye aapke skin par jo sun tan hai, skin pigmentation hai aapko ya dark spots and uneven skin hai, ye sab hata dega. Even blackheads and whiteheads, ये आपकी स्किन को बहुत अच्छे से एक्सफोलिएट भी करेगा. आपको इसके लिए ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी है. सिर्फ आपको जो चीज़ की ज़रूरत होगी वो है टमाटो. यस, ये आपके घर में तो इजीली रहेगा ही एंड ये बहुत चीप भी है. इसके लिए आपको ज़्यादा पैसे भी खर्च नहीं करने. आपको एक हाफ टमाटो लेना है एंड एक फोक. उससे आपको क्या करना है, इसमें अच्छे से इसमें इसको पोक कीजिए ताकि इसमें अच्छे से इसका जूस निकल आए. लाइक दिस, एज यू कैन सी, लाइक दिस. यस, आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी अच्छे से जूस आ रहा है. एंड देन आपको क्या करना है, इस पर हल्की सी शुगर डालनी है. यस, ये इस तरीके से आपको इस पर ऐसे शुगर डालना है एंड देन इसे आप अपने फेस पर अच्छे से रब कर लीजिए. लाइक दिस, सर्कुलर मोशन में करना है आपको ये. लाइक दिस अपने नोज पर भी कर लीजिए. अगर आपके स्किन में डेड स्किन या ब्लैक हेड ज़्यादा है तो आप और भी शुगर ले सकते हैं. मेरी स्किन पर इतने हैं नहीं तो मेरे लिए हाफ टी स्पून शुगर काफ़ी है. लाइक दिस, और इस तरीके से आप अपने पूरे फेस पे इसे सर्कुलर मोशन में लगा लें. गाइस, टमाटो में विटामिन सी होता है एंड ये एक नेचुरल ब्लीच होता है जो हमारी स्किन को वाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग में बहुत हेल्प करता है एंड ये नेचुरली विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट हमारी स्किन के पिगमेंटेशन को भी हटा देता है, डार्क स्पॉट्स को हटा देता है. आप ये रेमेडी रोज़ कर सकते हैं. जब भी आपको टाइम मिले आप खुद डिफरेंस नोटिस करेंगे अपनी स्किन में. 7 डेज़ में आपको आपकी स्किन में बहुत ही अच्छा सा ग्लो नज़र आएगा, बहुत ही हेल्दी दिखेगी आपकी स्किन. अब नोज़ पर कर सकते हैं अच्छे से फॉर 2 to 3 मिनट्स, क्योंकि हमारे नोज पे ब्लैक हेड्स होते हैं तो वो बहुत अच्छे से उसे निकाल देगा. एंड गाइज, आप खुद नोटिस करेंगे आपकी स्किन पे बहुत ही अच्छा सा हेल्दी ग्लो आएगा एंड इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं है. अपने नेक पर भी कर लें, बिकॉज हमें सन टैन हमारे नेक पर भी हो जाता है, इसलिए लाइक दिस. अब मैं इसे 20 to 30 मिनट्स के लिए रख दूँगी. आप 20 मिनट्स के लिए भी रख सकते हैं, इट्स गुड इनाफ. एंड देन उसे नॉर्मल वाटर से आप धो लें आपके फेस को. अब मैं इसे अपने फेस पे 20 to 30 मिनट्स रहने दूँगी एंड देन मैं फेस वॉश करके आपको बताऊँगी मेरे स्किन पे कितना अच्छा ग्लो आया है. गाइस, मैंने ये 20 मिनट्स रखा था एंड देन मैंने मेरा फेस नॉर्मल वाटर से वॉश कर लिया है. आप देख सकते हैं मैं अभी मेरा फेस वॉश करके आई हूँ. गाइज, आप देख सकते हैं मेरे फेस पे कितना ही अच्छा ग्लो आया है. आप खुद नोटिस कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा एक्सफोलिएट किया है इसने. बहुत ही हेल्दी ग्लो देता है ये हमारे फेस पे. सो गाइज, आप भी ये रेमेडी ट्राई कर सकते हैं. आप खुद 7 डेज़ में अपने फेस पे एक बहुत ही अच्छा सा ग्लो देखेंगे एंड जो भी डार्क स्पॉट्स एंड पिगमेंटेशन है वो आपके बहुत, अगर आपके फेस पे बहुत ज़्यादा है तो वो बहुत हद तक कम हो जाएंगे. आप अगर रेगुलरली इसे यूज़ करेंगे तो ये बहुत ही अच्छा ग्लो लाएगा आपके फेस पे एंड स्किन वाइटनिंग में बहुत ही हेल्प करेगा. ये बहुत ही नेचुरल इंग्रेडिएंट है, इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है. सो आप इजीली ये रेमेडी ट्राई कर सकते हैं. सो गाइज, ये रेमेडी ट्राई कीजिए एंड हो सके तो ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड क्लिक दैट बेल बटन. आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. बाय.